गाइस ये 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और जैसे इसको बनाया गया था जब राजा अशोक को हराने के लिए प्लान रखा था, तो औरत ने ये पूरा फ्रॉड था ना, एक औरत ने ना एक माचिस का तीली की वजह से पूरा फ्रॉड को जला दिया। जो अशोक का लिपि है ना यहाँ पे लिखा गया है, जो कि पारसी लिपि में लिखा गया है। तो अभी चलते हैं यहाँ का एक जो 2200 साल पुराना है जोगढ़। जब अशोक सम्राट जी यहाँ पे आए थे तो कुछ लिपि लिख के गए थे यहाँ पे, जो कि जिस लिपि का नाम बोलते हैं हम लोग पारसी लिपि बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का कभी। तो गाइस ये पारसी लिपि जो अशोक ने लिखा है अपनी फैमिली के बारे में कुछ, तो वहाँ पे लिखा है और वहाँ पे कुछ कुछ दिखा नहीं सकते। ये भी जगन्नाथ का कुछ पेंट किया गया है, बहुत अच्छे से किया गया है। ये पूरा फ्रॉड था एक मेरे मानते हैं लोग, तो ये जला गया है पूरा फ्रॉड को। सो है गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं जोगढ़, जो कि अशोक का रॉक एडिक्ट है जोगढ़। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अशोक रॉक एडिक्ट जोगढ़, और इस समय लिखा है अशोक शिलालिपि जोगढ़। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। जो अशोक का लिपि है ना यहाँ पे लिखा गया है, जो कि पारसी लिपि में लिखा गया है। तो अभी चलते हैं यहाँ का एक जो 2200 साल पुराना है जोगढ़। जब अशोक सम्राट जी यहाँ पे आए थे तो कुछ लिपि लिख के गए थे यहाँ पे, जो कि जिस लिपि का नाम बोलते हैं हम लोग पारसी लिपि बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी फ्रंट पे पहुँच गए हम लोग जोगढ़, जो मेन जो रास्ता है। तो हम लोग इधर पहुँच गए, इधर से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं फिर आपको। गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए, अभी चलते हैं अंदर की तरफ। ये एंट्री है उसका, यहाँ पे कुछ फ्रॉड था पूरा जो कि जलाया गया है। तो गाइस ये पूरा फ्रॉड था, तो इसको जो जलाया गया था अशोक को हराने के लिए प्लानिंग के चक्कर में, एक माचिस की तिल्ली की वजह से पूरा फ्रॉड जल गया था। मतलब भाई किसी को ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये पारसी लैंग्वेज मेरे को नहीं पता, जिसको मालूम है। तो गैस यहाँ पे लिखा गया था तो पारसी लिपि लिखा गया, अशोक ने लिखा है यहाँ पे ना पूरा फोर्ट था। तो अशोक को ना किसी ने हराने के लिए प्लान रखा था, तो एक औरत ने उनको बताया कि एक माचिस की तिल्ली से ना पूरा जोगढ़, ये जो जोगढ़ है ना फोर्ट है, उसको जलाया गया था, इसलिए पूरा वो टूट के बिखर गया। अभी पहले वो था जब अशोक को हराने की जो प्लान था ना, एक औरत ने पूरा प्लान को प्रपोज कर दिया, मतलब बता दिया कि वो कैसे जलता है। मैं आपको दिखाता हूँ जो अशोक का लिपि है, ये है अशोक का लिपि, जो कि पूरी तरह से बुझ गया, मतलब तो थोड़ा बहुत दिख रहा है इसको। जो लिपि लिखा है ना पूरा पारसी लिपि लिखा है, जैसे पारसी लैंग्वेज में लिखा है पूरा लिखा है यहाँ पे। तो कुछ दिखाई दे रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको पारसी पता है तो आप जान सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो गाइस ये पारसी लिपि जो अशोक ने लिखा है अपनी फैमिली के बारे में कुछ, तो वहाँ पे लिखा है और वहाँ पे कुछ कुछ दिखा नहीं था, पूरा अंधेरा हो, मतलब पूरा इस तरह से मतलब 2200 साल पुराना है ना इसीलिए। तो गाइस देख सकते हो पूरा पारसी लैंग्वेज, मतलब जो पारसी लैंग्वेज में लिखा गया लोगों के मानना है उनके फैमिली बारे में कुछ लिखा है अशोक ने। ये पूरा पत्थर में पूरा चट्टान में लिखा गया, पूरा फ्रॉड तो इसे जला दिया है। गाइस ये 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और जैसे इसको बनाया गया था जब राजा अशोक को हराने के लिए प्लान रखा था, तो औरत ने ये पूरा फ्रॉड था ना, एक औरत ने ना एक माचिस का तिल्ली की वजह से पूरा फ्रॉड को जला दिया। क्योंकि वो जो उड़ीसा का मतलब जो का मतलब ना एक आग पकड़ने वाला चीज था, उसको पत्थर से पत्थर बना के पूरा फ्रॉड बनाया गया था। आप लोग देख सकते हो फ्रॉड को जला दिया ऐसे ही, मतलब एक माचिस की तिल्ली लगा के पूरा फ्रॉड को जला दिया, क्योंकि वो औरत को पता था कि वो कैसे जलता है। तो अभी तो फिलहाल फ्रॉड नहीं है, कुछ लिपियाँ बचा है इसलिए इसको सारे कवर करके रखा हुआ है। तो ये मैं आपको दिख रहा हूँ, ये पूरा दिख रहा है फ्रॉड, बाकी बहुत सारे कुछ लिखा हुआ था, अभी तो फिलहाल नहीं है, जितना है आपको मैं दिखा दिया हूँ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। और आपको कुछ जानना है तो आप गूगल करके भी जान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कम लिखा गया है गूगल पे मैंने देखा है। और कुछ लोगों से मैंने पूछा तो बताया कि ये जो का मतलब आग पकड़ने वाला चीज़ है,
उसे पत्थर से पत्थर को पूरा फ्रॉड बनाया गया था। तो एक अमाशय की तिल्ली की वजह से पूरा फ्रॉड को जलाया गया था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।